हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जी हां, अगेन आज एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ सामने हाजिर हूं कि किस तरह से जिनका बैली फैट, स्पेशली बैली फैट है जिनको भी, ये वीडियो देखे वरना वो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो जिनका भी बैली फैट है आफ्टर प्रेगनेंसी, जिनका नीचे से एब्डोमिनल एरिया लटक गया है, नीचे का पेट लटक गया है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ प्रेगनेंसी वाले, इवन बहुत से जेंट्स को भी मैंने देखा है नीचे के साइड का पेट लटका हुआ, बहुत सी गर्ल्स को भी मैंने देखा है नीचे का पेट लटका हुआ। इवन अगर आप आफ्टर वेट लॉस भी आपका पेट लटक गया है, स्किन पूरी तरह से ढीली हो गई है, ये चीज सिर्फ आपके पेट को अंदर कर सकता है। और इवन मैं बोलूँ तो सेलिब्रिटी भी इस चीज को यूज करते हैं, जो आपने देखा नहीं उनका बिल्कुल टाइट पेट, बिल्कुल लगता है प्रेस किया हुआ पेट है, वो सिर्फ यही चीज है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे है, मतलब बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में है। इससे सस्ता शायद आई थिंक सेलिब्रिटी अपने ऊपर चीजें यूज भी नहीं करती होंगी। तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप इस चीज को जो है ले सकते हैं और मतलब अमेजिंग रिजल्ट होगा। मैंने भी अपने समय पर ट्राई किया है और इसका असर आपको हफ्ते भर में दिखने लगेगा, लेकिन 15 से 20 दिन तक आपको इसे रेगुलर बेसिस पे करना है। जिन्होंने भी नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो उस पर भी आने वाले हैं और ऑलरेडी आ चुके हैं रिबॉन्डिंग से रिलेटेड और बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था कि आप इस बनाना के फ्लावर को मंगाइए और इसके बेनिफिट्स बहुत ही लाजवाब हैं। फ्लावर की टी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है और ये फूलों के आप सब्जी भी बना सकते हैं। मैंने 2-3 फ्लावर ऑलरेडी मंगा के रखे हुए हैं फ्रिज में। तो ये जो ऐसे पत्ते हैं इन्हें तो आपको हटा देना है, लेकिन फ्रेश लीव्स मैं इन्हें पहले सेपरेट कर लेती हूँ ताकि इनकी मैं बाद में सब्जियाँ बना सकूँ। इसके बाद मैंने जैसे बोला था कि मैं इनके पत्तों का भी आपको प्रयोग बहुत अच्छा सा बताऊँगी और स्पेशली बैली फैट, पेट के फैट के लिए। तो ये पत्तों को आपको निकालना है और इन फूल्स को आपको अलग करना है। ये फ्लावर्स जो हैं इनको आप सेपरेट कर लीजिए और बाद में इनकी सब्जी या फिर टी, जो मैंने वेट लॉस टी आप लोग साथ शेयर किया हुआ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो इन फ्लावर्स को मैं सेपरेट करूँगी और ये जो थोड़े से ख़राब पत्ते हैं इन्हें मैं हटा दूँगी और फ्रेश वाले पत्ते मैं लूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 पत्तों का यूज़ फ़िलहाल अभी आपको बता रही हूँ और ये इनफ है और बैली फैट के लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो इन 2 पत्तों को आपको लेना है और कोई भी एक लास्टिक, जो मोटी वाली लास्टिक होती है वो लीजिए या फिर कॉटन का कपड़ा आप ले लीजिए। तो इस तरह की जो लास्टिक आती है या फिर मोटी बड़ी लास्टिक आती है वो आपको लेना है। तो चलिए यूज़ करती हूँ कि आपको कैसे क्या नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद आपको गैस को ऑन करना है बहुत ही लो फ्लेम पे, ठीक है, बहुत ही जो सबसे छोटी वाली चूल्हा हो उसमें सबसे लो फ्लेम। और इन पत्तों को आपको इस तरफ से, जिस तरफ से ये मुड़ा हुआ है, इस तरफ से नहीं, बाहर के नहीं, अंदर के साइड से आपको इसे गर्म करना है और काफ़ी अच्छे लेवल पे गर्म करना है। और फ्रेंड्स मैं बताऊं, इसका यूज़ आई थिंक हर सेलिब्रिटी करता होगा, हर वो शख्स करता होगा जो अपने बैली फैट को कम करना चाहता है। और आफ्टर प्रेगनेंसी तो ये वरदान है आप लोगों के लिए और मैंने भी किया है अपने टाइम पे। और जितने भी मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये काम करता है, जिनको भी नाभि के आसपास काफ़ी ज़्यादा फैट रहता है, आपने देखा होगा नाभि के पास फैट है, अच्छे लेवल पे गरम करना है आपको इसे। तो एक मैंने ये गरम कर लिया है, इसके बाद दूसरा आपको इसे गरम करना है। आगे मैं नेक्स्ट प्रोसेस भी बहुत ध्यान रखना है किस तरह से करना है। तो मैं जैसा बता रही थी, नाभि के आसपास का फैट जिनको बहुत है, जिनका पेट लटका हुआ है, जिनका पेट किन्हीं भी कंडीशन में नहीं जा रहा, वो चाहे डाइट करें चाहे एक्सरसाइज करें, मतलब किन्हीं भी कंडीशन में अंदर नहीं जा रहा है, ये स्पेशली उनके लिए है। तो आप इन पत्तों को बॉयल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे उसमें बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन सेकना ज़्यादा प्रेफर मैं करती हूँ और मैंने पहले भी सेक। और ये मात्र 55 रुपये का है और ये 55 रुपये का आपका काफ़ी दिन चलेगा। तो इस तरह से आप इसे गरम कर लीजिए, दोनों पत्ते मेरे गरम हो गए। तो
काम करने के बाद जिस भी जगह आपको फैट की दिक्कत है, वो चाहे पेट हो चाहे जहाँ हो, आपको इसे बहुत अच्छे से रखना है, सेक देनी है इसकी। और सेक देने के बाद आपको मैं ये बोल रही हूँ लास्टिक ना हो तो कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छे से, किसी का साथ जरूर लेना पड़ेगा आपको इसके लिए। और जैसे यहाँ तो मैं आपको अपने हैंड से एक बता दे रही हूँ, लेकिन जब आप किसी इसको यूज़ करिएगा तो किसी का साथ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत टाइटली अपने पेट पे बांधना है। और इसे आपको 15 दिन तक रेगुलर रात में करना है। पंद्रह दिन बाद देखिएगा इसका इफेक्ट कितना मज़ेदार आपको मिलेगा। और इस तरह से टाइट करने के बाद, कॉटन के कपड़े से भी बहुत अच्छा ये टाइट होता है, इस तरह से टाइट करने के बाद आपको किसी ना किसी का साथ जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेले बस की नहीं है। इस तरह से एक चाहे सेफ्टी पिन लगा लीजिए, या वो जो नहीं होता है एक डबल साइडेड टेप, वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप रखेंगे और 15 नहीं, मैं बोलूँगी 4 दिन के बाद ही नाभि के पास का फैट पेट लटका हुआ है वो बहुत तेज़ी से जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से। और इसका, और हाँ, ये जैसे अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, ये जो पत्ते हैं दोबारा यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये पत्ते दोबारा नहीं यूज़ करेंगे, नए पत्ते आप लेंगे, जो मैंने आपको ये बनाना वाला दिखाया था फ्लावर, इससे नया यूज़ करिएगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि बनाने के फ्लावर कि चाय पीने से जिनको भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है वो बहुत अच्छा सा इसका इफेक्ट ले सकते हैं, उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आएगी। चीज से यानी इतनी मिनिमम कॉस्ट आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि कोई सेलिब्रिटी भी यूज करता है और ऑलरेडी यूज करते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, जैसा भी रिजल्ट हो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हर वीडियो में बोलती हूँ कि जैसा भी रिजल्ट हो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।